एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। स्वराज, एक बुलेट का चालान बनाया 5,000 का, 1,000 रुपये का बनता था, आपने 5,000 रुपये का बना दिया। नए वाले मोटर व्हीकल एक्ट जो 6 मार्च 2023 से जो लागू हुआ है, उस नए वाले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कंपनी जो विनिर्माता जो मोटरसाइकिल विनिर्माता कंपनी जो रहती है उसके कलपुर्जों के विपरीत जो परिवर्तन करके नए कलपुर्जे लगवाता है, जैसे साइलेंसर हो गया, हेडलाइट हो गया, या और भी कुछ मॉडिफिकेशन कराता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन वाली धारा और शर्तों के विरुद्ध उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना जो नया वाला अभी आया है नियम, उसके तहत उसमें जुर्माना किया गया। मतलब ये सिर्फ बुलेट पे अप्लाई होता है या हर बाइक पर, हर सभी वाहन, चाहे कोई भी फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, सब पे? टू व्हीलर और फोर व्हीलर है, चाहे अपने बड़े वाहन हो, हेवी वाहन हो। मतलब कुल मिला के जैसे कंपनी शोरूम से हम जो गाड़ी लेके आते हैं उस वो जो कंपनी का फिटेड वो रहता है, उसके अलावा हम कुछ मॉडिफाई लगवा लेते हैं तो उसमें चला जुर्माना है 5,000 रुपये का, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे मोपेड हो, फोर व्हीलर हो, चाहे हेवी वाहन हो। अच्छा, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। अच्छा, लगातार आप लोग रोड पे कार्रवाई कर रहे हैं, कौन कौन से विषयों को लेके कर रहे हैं अभी? अभी जो हमारी चालानी कार्रवाई चल रही है इसमें प्राय तो नंबर प्लेट का है कि बहुत से वाहनों में हमें नंबर प्लेट रहते नहीं, या तो नंबर प्लेट विधिवत नहीं रहते हैं, जैसे उसमें हेलमेट वगैरह नहीं लगाते, मोबाइल पर बात करने वाले, ट्रिपल सवारी वाले, इस टाइप के वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये छोटे छोटे लड़के जो हैं 12, 14, 15 साल के, ये तो रॉकेट ही बना देते हैं बाइक को, और इनको जब इनका कुछ एक्सीडेंट होता है सबसे ज़्यादा दुख होता है। लगातार आप लोग रोड पे कार्रवाई करते हैं, तो क्या इस विषय पे आपने कभी मूवमेंट चलाया? इस विषय पे आपको लगता नहीं कि मूवमेंट चलाना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम इस टाइप के वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई पहले से भी करते आ रहे हैं और अभी भी लगातार इस टाइप पर कार्रवाई, जो नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं, जो तेज गति से चलाते हैं, जो लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध हम चलानी कार्रवाई लगातार हमारी कर रहे हैं। सर, ऐसे जो बच्चे 12, 14, 15 साल के तेज तेज गाड़ी चलाते हैं, 3-3, 4-4 बैठ के उड़ाते हैं गाड़ी को, जब आप चालानी कार्रवाई करते हैं तो समझाइश के लिहाज से इनके मम्मी पापा वगैरह को नहीं बुलाते? नहीं, उनको जरूर थाने में बुलवाते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा ऐसे वाहन चालकों को, उनके पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को नाबालिग बच्चों से वाहन ना चलवाएं, क्योंकि कभी ना कभी वो कहीं दुर्घटना का शिकार होंगे। आपका परिचय दीजिए। सुबेदार नितिन निगोल, ट्रैफिक थाना खंडवा। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अम्बेडकर चौराहा, खंडवा।